और अब बात बंगाल की राजनीति और नंदीग्राम के रिश्ते की करेंगे। जी हां, जंगे बंगाल में नंदीग्राम की फिर से एंट्री हो गई है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के चुनावी नतीजों को अदालत में चुनौती दी। कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई, लेकिन ये सुनवाई एक हफ्ते के लिए टल गई है। अब नंदीग्राम पर आगे की तस्वीर क्या होगी, इंतजार करना होगा 24 जून का। Struggle for Nandigram because I fought a movement. जिसकी घर का अगल बगल में एरिया का लोग समर्थन नहीं करते, उसको क्यों नंदीग्राम में? विश्वासघात एकदर माफ करबो ना, विशेष करे एदर तो माफ करबो ना। आमी ममता बनर्जी ईश्वरेर नामे सपोर्ट करबो। जनादेश आया, सरकार बनी, लेकिन तकरार नहीं थमी। तलवारें अब भी तनी है, मोर्चे अब भी खुले हैं, बिसात अब भी बिछी है, दाव अब भी जारी है। बंगाल में सिर्फ कहने को युद्ध खत्म हो गया, लेकिन युद्ध विराम नहीं हुआ है। कैसे, ये जानने के लिए आपको एक बार फिर नंदीग्राम ले चलते हैं। है नंदीग्राम का संग्राम आप भूले नहीं होंगे, नहीं भूले होंगे वो टक्कर जो बंगाल के चुनाव का सबसे हिट मुकाबला बन गया था। और आप शायद ये भी नहीं भूल पाए होंगे कि कैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक रण में शुभेंदु विजय हुए थे। शुभेंदु का फाइनल स्कोर रहा 110,764 वोट का। ममता की झोली में गिरे 108,808 वोट। सिर्फ 1956 वोट से नतीजा शुभेंदु के पक्ष में रहा। मतगणना के उस दिन ज्वार भाटे की तरह नतीजे ऊपर नीचे होते रहे। 11 राउंड तक ममता आगे रही, आखिरी के चार दौर में पासा पलट गया। ममता ने बंगाल जीता, नंदीग्राम गवाया, लेकिन नंदीग्राम की हार गवारा नहीं हुआ। कोलकाता हाईकोर्ट में दीदी ने दस्तक दी है, 46 दिन बाद नतीजों को चुनौती दे रही है, वोटों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। तो बंगाल की लड़ाई में नंदीग्राम एक बार फिर केंद्र में है। नंदीग्राम तो बहाना है, सीधे सीधे शुभेंदु अधिकारी पर निशाना है। बीजेपी में शुभेंदु की पैठ बढ़ी है, शुभेंदु का कद बढ़े ये ममता को मंजूर नहीं। बंगाल में चक्रवात आया, पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक में शुभेंदु को बुलाया, ममता बनर्जी को जबरदस्त गुस्सा आया, दीदी ने बैठक से दूरी बनाई, फाइल सौंप कर वापस लौट आई। कलाईकुंडा गए प्रधानमंत्री हाथे आमादेर जा क्षय क्षति होयेछे तार एकटा रिपोर्ट आमार साथे चीफ सेक्रेटरी आलापन बंदोपाध्याय छिल, आमरा हाते तुले दिए बोलेछि एइटा होच्छे आमादेर रिपोर्ट एबं आपनि जा भालो बुझबेन ताई करबेन। तो ये लड़ाई अब सीधी और साफ है, शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के खेवनहार हैं, इसलिए उनसे ममता बनर्जी की सीधी तकरार है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।